इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट से। चित्रकूट में महिला की हत्या से मचा हड़कंप, महिला की चाकू से गोद का निर्मम हत्या। वहीं अर्धनग्न हालत में घर के आंगन में मिला शव। वहीं महिला के गले में गला घोटने का निशान मिले। वहीं एसपी वीरेंद्रा शुक्ला फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद। वहीं पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम को भेजा। रायपुरा थाना क्षेत्र के देवंदा गांव का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चित्रकूट से। चित्रकूट में महिला की हत्या से मचा हड़कंप, महिला के चाकू से गोद कर निर्मम हत्या। वहीं अर्धनग्न हालत में घर के आंगन में मिला शव। वहीं महिला के गले में गला घोटने का निशान मिले। एसपी वृंदा शुक्ला फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम को भेजा। रायपुरा थाना क्षेत्र के देवंदा गांव का पूरा मामला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, शाम में एक युवती का अपने कोचिंग सेंटर के बाहर से अगवा करके दो अज्ञात युवकों द्वारा मंदाकिनी नदी के पुल के ऊपर से फेंकना बताया गया था पुलिस को, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हम अपनी कार्रवाई में जुट गए थे। सबसे पहले जो युवती है उनको प्राथमिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई गई, पर अच्छे से अच्छे उपचार के लिए उनको KGMU ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। और पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनकी एम्बुलेंस को वहां तक ले जा रही है। और उसी के साथ साथ हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगालना आरंभ कर दी थी। मैं स्वयं भी सारा मार्ग पैदल घूम कर आई हूँ, सभी CCTV कैमराज को हमने देखा है। और जो परिस्थितियाँ परिवार द्वारा बताई जा रही हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल नदी से 10 मीटर पहले तक का ही फुटेज जो उपलब्ध हुआ है उसमें युवती द्वारा स्वयं पैदल चल के जाना सामने आ रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसकी परिस्थितियों को अब थोड़ा बदल के दर्शाया जा रहा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जितने हमारे सामने साक्ष्य आ सकेंगे उसी के आधार पर आगे की विधि